वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आई एम योर टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टू ड्राइंग फ्लैग। आज मैं आपको फ्लैग बनाना सिखाऊंगी। तो हम फ्लैग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो बच्चों, कमिंग संडे में क्या है आपको मालूम है? डेट कौन सी है? 15 अगस्त। और 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। तो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हम क्या करते हैं? सभी अपने अपने ऑफिसों में, स्कूल्स और जितने भी सरकारी बिल्डिंग होती हैं वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है, यानी फ्लैग को हम होस्ट करते हैं, लहराते हैं झंडे को। तो हमारे स्कूल में भी बच्चों 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग होगी, तो मैं आपको आज फ्लैग बनाना सिखाऊंगी। तो सब फ्लैग तो आपने सबने देखा होगा, झंडा देखा है ना आपने सबने, तो हम कैसे बनाएंगे? चलिए हम फ्लैग बनाना सीखते हैं। तो आप अपने हाथों से फ्लैग बनाओगे, ओके? तो देखिए, सबसे पहले हमें एक ये ड्राइंग शीट लेनी है और फिर इस पर आप स्केल से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ कर दी, अब थोड़ा सा ऐसे हमें से पीछे करना है, फिर एक लाइन हम और ड्रॉ करेंगे। ये क्या है? हमारा पोल जिस पे हम फ्लैग बनाएंगे। अब देखिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब हमें यहाँ पर एक लाइन, फिर से स्ट्रेट लाइन बनानी है। देखिए इस तरह से, यहाँ से ये आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। बना दी हमने। अब एक लाइन इसके नीचे बनानी है, थोड़ी सी दूर, देखो इतनी दूर बना देंगे हम। अब इसके नीचे फिर एक लाइन और, बिल्कुल जितनी दूरी है उतनी ही दूर हमें नीचे की लाइन बनानी है। अब एक लाइन और बनाएंगे हम। ये बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक फिर से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। देखो, हमने इसको मिला दिया, ये एक बॉक्स जैसा बन गया। देखो, फ्लैग में 3 स्ट्रिप होती हैं, 3 पट्टियाँ होती हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पट्टियाँ हो गई हमारी, 1, 2, 3। अब देखो बीच में क्या होता है, बीच में एक सर्कल बना हुआ होता है। तो हम यहाँ पर छोटा सा सर्कल बना देंगे। अब इसमें हम ऐसे छोटी छोटी ऐसे ऐसे लाइन बना देंगे। ये लाइन 24 बनानी है। कितनी बनानी है बच्चों? 24 लाइन। ये जो लाइन होती है 24 होती हैं। कितनी लाइंस होती हैं ये? 24। अब हमें इसकी क्या बनानी है? रस्सी। तो देखो, इसको ऐसे कर दो, यहाँ से ऐसे करते हुए निकाल दी हमने। अब हम इसमें कलर करेंगे। तो सबसे ऊपर बच्चों कौन सा कलर होता है फ्लैग में, जल्दी से याद करके बताओ, आपने देखा होगा। ऑरेंज। देखो हम ये, और सबसे ऊपर ऑरेंज कलर करेंगे।
बीच में कौन सा कलर होता है? वाइट। ये तो पहले से ही वाइट है, हम इसे छोड़ देंगे। और सबसे नीचे कौन सा कलर होता है? ग्रीन। तो ये है ग्रीन कलर, तो सबसे नीचे हम ग्रीन करेंगे। हमने ये ग्रीन कलर कर दिया। अब बच्चों ये जो सर्कल होता है ये किस कलर का होता है? आपने ध्यान से देखा है, ये होता है बच्चों ब्लू कलर। तो हम इसमें ब्लू कलर करेंगे। तो चलिए हम इस सर्कल में ब्लू कलर करते हैं। तो ये है हमारा ब्लू, तो इसको हम इस तरह से ये है बच्चों चक्र, इसे कहते हैं चक्र। हो गया ये। और ये इसकी क्या है? रोप, रस्सी। तो इसे हम किस कलर से करेंगे? किसी भी कलर से कर सकते हैं। रस्सी तो अलग अलग कलर की होती है आजकल, तो हम इसे ब्राउन कलर से करेंगे। देखिए इसको हमने इसे और ये जो पोल है जिसके ऊपर हमने फ्लैग लगाया हुआ है इसे भी हम इसी कलर से कर देंगे बीच में। तो देखिए ये क्या बन गया हमारा? तो इस तरह से आप अपने हाथों से फ्लैग बनाएंगे और मम्मा को दिखाएंगे और मम्मा को बताओगे कि मम्मा अब जो कमिंग संडे है उस दिन क्या है? जल्दी से याद कर लो, उस दिन है इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप ये तो बोल नहीं पाओगे, तो आप ये कह रहे हैं हमारा आज़ादी का दिन है कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये हमारा फ्लैग है जो हम 15 अगस्त यानी कि अब जो हमारा कौन सी डेट है 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग होगी, झंडा लहराया जाएगा। इस तरह से आप फ्लैग अपने हाथों से बनाएंगे और अपने मम्मा को पापा को सबको दिखाएंगे कि देखो मैंने आज फ्लैग बनाया है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।